महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली को लेकर जारी किया गाइडलाइंस। पटाखे न फोड़ने, धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ न करने, घर में दिए जलाकर उत्सव मनाने की अपील की। MMRDA द्वारा देश में पहली बार समुद्र के अंदर पिलर बनाने के लिए कर लिया गया पहला पिलर कैप तैयार। मेट्रो 5 कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है यह मार्ग। केंद्र सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए बढ़ रही है ईंधन की कीमतें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कसा मोदी सरकार पर तंज। 26 दिन जेल में काटने के बाद आर्यन को मिली जमानत। आज या कल जेल से रिहा होंगे बादशाह के बेटे आर्यन। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद फैंस में दौड़ी खुशी की लहर। मन्नत के बाहर जमकर की गई आतिशबाजी और फोड़े गए पटाखे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को दी बड़ी राहत। गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देने का दिया आदेश। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर्यन खान की जमानत के बाद नवाब मलिक ने वानखेड़े को दी चेतावनी। 15-20 दिन से फरार गोसावी को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने गोसावी को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। अब सरकारी कार्यालय में मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना। इसके अलावा कर्मचारियों को साथ रखना होगा टीकाकरण का सर्टिफिकेट। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 327 मामले आए सामने। 6 मरीजों ने गंवाई जान।